हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले वाले में हम लोगों ने बिहार के बारे में पढ़ा था, सारा चीज़ जानकारी जो भी था, कृषि था, खनिज वाला जो था, सभी का सभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये हमारा ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और जो कि आज का हमारा पहला चैप्टर है, उच्चतम प्रदर्शन की हिमस विधि का विकास किससे किया जाता है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर बी हो जाएंगे। इसमें देखिएगा, आपको ज़्यादातर ये प्रश्न कुछ उतना खास नहीं है, बट एक दो ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, फिर भी आप पढ़ ही लेना। अगला देखना, पर्वतीय छायाकार विधि भू आकृति पर किस दिशा का प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो ये की जाती है भाई उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा महीना एवं खंडित रेखाएँ को ढाल की दिशा खींचकर उच्चतम प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान के विशेष रूप से मापी की ऊंचाई कहा जाता है। तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए हो जाएंगे। कहने का मतलब है ना कि सबसे नीचे से लेकर, ठीक है ना, स्थल से लेकर सबसे ऊंचा ऊपर से हम ऊपर की ओर नपाई करेंगे, तो हम लोग नपाई जो कर रहे हैं ना स्थल से कर रहे हैं, स्थानिक ऊंचाई से कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अस्थन रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों के नीले रंग किस भाग को दर्शाता है। तो नीला रंग आपको जल को दर्शाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और हम लोगों ने सारी इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो जो कंप्लीट कर लिया उसे तो हम लोग नहीं करेंगे। और ये देखना, ये नीला रंग की बात करें तो जब भी बोले तो जल को ही दर्शाता है, आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखना, सिरोनिमा वाले दिखने वाले अपनी सर्वोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर की जाती है। तो दो दो, ठीक है, और सिरोनिमा कृषि मैंने आपको बताया था ये उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विधि में मानचित्र आकर्षण एवं सजीव दिखता है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मानचित्र में सर्वोच्च रेखाएँ किस रंग से प्रदर्शित की जाती है। तो बादामी कलर से प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हैप्चर विधि में दालू हिस्सा किस रंग को दिखाता है। तो काला को दर्शाता है। कौन से रंग को दर्शाता है। भिन्न भिन्न आकृति का मानचित्र पर निरूपण क्या कहा जाता है। तो उच्चतम निरूपण कहा जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पर्वतीय छायाकार के अंतर्गत बाल का प्रदर्शन किया जाता है। तो गहरी आहब के कारण। राइट आंसर डी है। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई के किसके द्वारा किया जाता है। तो बिंदुओं द्वारा किया जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर बी हो जाएंगे। रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है। तो भूरा रंग को दिखाया जाता है। स्थलकृत लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों द्वारा मानचित्र को दर्शक भूमि के प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है। तो आकृतिक विधि कहा जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च रेखाएं एक दूसरे पर है तो बराबर काटती है। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, समुद्र की सतह सर्वम कैसा होता है। तो बराबर होता है। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर हो जाएंगे। भाई मैंने आप लोगों का क्लास टेंथ का साइंस का जो चैप्टर है हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और हिंदी में 3 चैप्टर और बच रहा है, ठीक है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सर्वोच्च रेखाएं की विधि प्रतिपादक सर्वप्रथम एक डच अभियंता इन ने कब किया था। तो 1730 में किया था। आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर सी है। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना कर दिया गया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और इसका अगर तुमको PDF लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना होगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार ज़रूर जो ज्वाइंट हो जाओ टेलीग्राम चैनल में। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो वही घर में ही रहना है अभी ज़्यादातर। कौन सी विधि उच्चतम प्रदर्शन की नहीं करता है। तो ये आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भी आकार सर्वोच्च रेखाएं किस स्थलकृत को प्रदर्शित के खींची जाती है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शंस नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अस्थल रंजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से, भाई तो बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से। BM किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो टल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, अस्थल रंजन विधि के अंतर्गत अस्थायी रंग की स्थलकृत को दिखाया जाता है। तो पर्वत को, ठीक है ना, इसमें वही आपको ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है। आपको एक जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना इसमें,
वो नीला वाला पूछता है, ठीक है ना, नीला रंग किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है वाटर को, और एक हरा रंग पूछता है तो वो मैदानी भाग को दर्शाता है। ये दो गो ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं। भू आकृति त्रिवाहु होती है क्योंकि इनमें होता है, तो इनमें कुछ नहीं होता, राइट आंसर गलत है। इनमें से कौन सा उच्चतम प्रदर्शन करने की विधि नहीं है, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। छोटे महीने एवं खडीद रेखाएं ढाल की दिशाओं खींचकर उच्चतम प्रदर्शित की विधि को क्या कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पर्वत छायाकार विधि, ये हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है। अगला प्रश्न, पर्वतीय देशों में उच्चतम प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है, तो पर्वतीय छायाकार विधि द्वारा। तल छिन्न, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया है। अगला प्रश्न, नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो भाई नीला रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है, पूछेगा भाई एकदम जरूर रखना ये सब। ये देखना मैदानी क्षेत्र को कौन सा कलर है, तो हरा रंग को दर्शाता है, या आपको अपोजिट कर देगा कि हरा रंग किस चीज़ को दर्शाता है, तो मैदानी क्षेत्र को दर्शाता है, और ये सफ़ेद रंग बर्फ़ को दर्शाता है, आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे। और पर्वत जो पठारीय क्षेत्र होता है उसको भूरा रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है, और ये क्या है भाई, किस भू आकृति पर आधार पर शिखर दोनों चौड़े एवं विस्तृत होता है, तो पठार पर होता है, राइट आंसर तुम्हारा बी है। यदि भू आकृति के चपट उपट भूभाग पर जिसका आधार शिखर के दोनों चौड़े एवं विस्तृत हो गया, तो आसपास के मैदान में ऊंचा उठा हुआ कहलाता है, तो पठार कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा आखिरी प्रश्न, और इसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी खत्म, तो हम लोग हिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं, और जो पॉलिटिकल होता है उसमें दो चैप्टर है, और अर्थशास्त्र का जो टोटल चैप्टर बचा हुआ है, तो हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे, हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट ही कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हम लोग का साइंस कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी हो गया कंप्लीट, जो हिस्ट्री हो गया कंप्लीट, और एक ये पॉलिटिकल भी कंप्लीट ही होने वाला है, समझ जाइए। तो हम अब मैथ का दो तीन चैप्टर्स और बचे हुए, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी, लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग वही क्वेश्चन लाएंगे, चुनिंदा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे, तो इसे अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आपके मैं तैयारी ही करा दूंगा, तो उसे आप ज़रूर देखना, स्पेशल क्लास चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दिया, हिस्ट्री का टोटल बुक से जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, तो इसलिए मैं उस लोग को पेंडिंग में डाल चुका हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर इसका PDF लेना हो टेलीग्राम चैनल में, और जिसका भी लिंक है प्लेलिस्ट सभी का बना दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लेना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।